नमस्कार, आज हम बताते हैं आपको फलाहारी कचौड़ी बनाने की विधि। यह बहुत ही खस्ता होती हैं। इसके लिए सवा के चावल और साबूदाना, यह आप मेरे नए वीडियो में भी देख सकते हैं। मैंने इसको बनाने की विधि बताई है कैसे बनाना है। सवा के चावल और साबूदाने का आटा, और इसको हम मिक्सी में पीस कर बारीक कर लेते हैं। देखिए, मैंने बारीक कर लिया है, अब बताते हैं। देखिए, घी है देसी, काली मिर्च, सवा के चावल और लाहौरी नमक। देखिए, मैंने एक कटोरी सवा के चावल लिए हैं, तो मैं इसमें 2.5 कटोरी पानी डालूँगी। और हम पानी गरम कर रहे हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये हम आटा डालेंगे जो हमने पीस कर तैयार किया है, और इसको हम चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और देखिए, मैंने काली मिर्च और लाहौरी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाला है, और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा और इसमें लम्स पड़ जाते हैं। इसको हमें खूब गाढ़ा करना है। देखिए, पहले से गाढ़ा होने लगा है। देखिए, अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ऐसे ही हम इसे धीरे धीरे चलाते हुए गैस को मीडियम ही रखें। देखिए, मेरा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। आप इसको छोड़े नहीं, लगातार चलाते रहिए, जिससे कि ये कढ़ाई में चिपकेगा भी नहीं और लगेगा भी नहीं। देखिए, अभी मेरा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसको हमें आटे के जैसा तैयार करना है, इसलिए हमें इसे टाइट करना है। अब मैं थाली में घी लगाकर इसमें ये निकाल कर रखती हूँ, जिससे कि ये घी लगाने से थाली में चिपकेगा नहीं और ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही हम इसे रख के, अब देखिए, इसे हमें कचौड़ी भरने के लिए तैयारी करनी है, जो कि मैंने 300 ग्राम आलू लिए थे वो उबाल कर फोड़ लिए हैं, और देसी घी डालकर मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, चौथाई चम्मच, और इसको हम भूनेंगे। और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक वो मैंने काट कर रख लिए हैं। देखिए, जीरा मेरा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी थोड़ी देर भूनेंगे। इसमें हरी मिर्च और अदरक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई और लाहौरी नमक डालकर इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, और इसकी पिट्ठी बनाकर तैयार करेंगे हम कचौड़ियों में भरने के लिए। आलू को बारीक ही रखें, जिससे कि वो कचौड़ी आराम से भर के फूटेंगी नहीं। और देखिए, हरा धनिया डालकर हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, मैंने बाउल में ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब देखिए, इसमें फैला दिया है हमने थाली में, जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब इधर मेरा ये आटा हो गया है, हम इसका डो तैयार करेंगे। आटे को अच्छी तरह गूंथ कर, थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करके आप हाथ पर, और इसे इस तरह से अच्छी तरह से गूंथें। देखिए, आलू भी मेरे ठंडे हो गए हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम इसमें घी लगाकर अपनी कचौड़ियों को सेकेंगे, जिससे कि कम ऑयल में व्रत में हम खाना बनाएंगे। अब देखिए, हम कचौड़ी की तरह भरकर हाथ से आलू भरकर तैयार करते हैं, और इसकी छोटी छोटी कचौड़ियाँ बनाकर
रख लेते हैं। इस तरह से बनाकर आप रख लीजिए, फिर धीरे धीरे सेकते रहिए। अब देखिए मैं चम्मच से कर रही हूँ, आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे करें। और इसको अच्छी तरह से भरकर कचौड़ियों को इस तरह से हाथ में तेल लगाकर जरूर करें, नहीं तो ये हाथ पे चिपक जाएंगी। मैं इस तरह से बनाकर और साइड से भी चिकना लें, नहीं तो ये फूट जाएंगी। और आप जब बनाएं तो कमेंट करके बताएं कैसी लगी ये आपको नई तरीके से कचौड़ी। अब देखिए हम इसमें डालकर ये सेक रहे हैं और आप इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकें, जिससे कि करारी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार होंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आने वाली नई रेसिपी की जानकारी मिले। देखिए अब ये पहले से कलर चेंज करके गोल्डन ब्राउन हो गई है। आप इसको हरे धनिये की चटनी और दही के साथ सर्व करें। हरे धनिये की चटनी का भी मैंने बताया है कैसे बनानी है। देखिए बनकर तैयार है मेरी ये खस्ता कचौड़ी और हरे धनिये की चटनी और दही के साथ। आप सर्व करें और खाएं और बताएं कैसी लगी। और देखिए हरे धनिये की चटनी बनाने के लिए मैं नारियल, हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू और लाहौरी नमक और काली मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग इन सबको मिलाकर पीस लीजिए। मैंने इसमें नारियल भी डाला है जो पानी वाला है। और आप टमाटर आधा इसमें डालकर अब हम इसे अच्छी तरह पीस लेते हैं। देखिए मेरी चटनी पीसकर तैयार है और व्रत में आप इसे बनाकर एक दो दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। और ये झटपट बनने वाला इस देखिए तैयार है हरे धनिये की चटनी। और खाइए और बताइए कमेंट करके कैसी लगी। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।